अब आपको आज की बड़ी खबर सबसे पहले बताते हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां पर रामनगर बीडीओ अमित त्रिपाठी का इस्तीफा, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जिले के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। 31 जुलाई को अधिकारियों ने ब्लॉक रामनगर में छापेमारी की थी। लंबित प्रकरण और पेपर वर्क ठीक न मिलने पर बीडीओ को फटकार लगाई थी। अन्य ब्लॉक को छोड़कर सिर्फ रामनगर ब्लॉक में छापेमारी का आरोप है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लिया है। अपर मुख्य सचिव ने जांच कराने के आदेश दिए हैं। जिले के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि बीडीओ अमित त्रिपाठी की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से हम आपको बता रहे हैं। 31 जुलाई को अधिकारियों ने ब्लॉक रामनगर में छापेमारी की थी। लंबित प्रकरण और पेपर वर्क ठीक न मिलने पर बीडीओ को फटकार भी लगाई गई थी। अन्य ब्लॉक को छोड़कर सिर्फ रामनगर ब्लॉक में छापेमारी का आरोप लगा है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस मामले का संज्ञान भी लिया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अमित त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए नितिन इस वक्त हमारे संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, रामनगर बीडीओ की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, क्या अपडेट है मामले में, जरा बताइए। जी, रामनगर के बीडीओ ने इस्तीफा दिया था और सबसे पहले खबर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ब्रेक की थी। सबसे पहले खबर हमने दिखाई थी और रात होते होते उसकी पुष्टि भी हुई और ये अपर मुख्य सचिव की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। इसका संज्ञान लेते हुए कड़े शब्दों में ये आदेश दिया गया है कि तत्काल जो बीडीओ की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच कराई जाए, अगर जांच में पुष्टि होती है तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। तो ये अमित त्रिपाठी ने जो गंभीर आरोप लगाए थे कि ब्लॉक रामनगर बाराबंकी में ही सभी अधिकारियों के टारगेट पर है, सभी अधिकारी वहीं पर छापेमारी कर रहे हैं, वहीं के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, जबकि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसी बहाने, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले एक सांसद से अपने लिए एक सिफारिश करवाई थी, जिसको लेकर उनका आरोप है कि जिले के अधिकारी उनसे चिढ़े हुए हैं और इसी का बदला लेने के लिए वो लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। साफ शब्दों में उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसी वजह से वो तंग आकर इस्तीफा दे रहे हैं और ये इसकी जांच कराने की मांग करते हैं, जिससे आगे किसी अधिकारी को इस तरह की समस्या न फेस करनी पड़े।